मैं रुचि तिवारी, मैं हूँ काशीनाथ बिल्लौरे जी के साथ, और जिनकी उम्र 87 इयर्स है और वो कल वोट करने जा रहे हैं। जैसे कि जबलपुर में कल वोट होने वाले हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आप वोट के लिए कितना उत्साहित हैं? हमें उत्साहित है। और आप पहले मतलब 1952 से अभी तक वोट डाला, लगातार वोट डाल रहे हैं अपना कोई इलेक्शन बात नहीं। अच्छा, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा, और ऊपर से आदमी को ही डाला है। आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं मतदान से मतलब संबंधित? ये साथ में ले जाते हैं। नहीं नहीं, युवाओं को क्या प्रॉब्लम? जो नए युवा वोटर्स हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? भाई, अच्छे आदमी को और जो हमारे देश की तरक्की करते हैं, केवल जबलपुर को इंक्लूड न करें, देश को इसको सर्वशक्तिमान बनाना है। केवल जबलपुर को हर व्यक्ति बनाता है और सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। देश सशक्त हो, वो हमारे पोलिंग बूथ से वोट डाल के अगले 87 साल के काशीनाथ बिल्लौरे जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं उनको कैसा लग रहा है। अंकल, 87 साल की उम्र में आपने पहला वोट दिया है, आज भी उत्साहपूर्वक, कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत प्रसन्न था जी। 99% पहला वोट मैंने दिया जी, रोड साइड जीतते थे जी। और कुछ आप जो युवाओं को संदेश देना चाहते हैं यहाँ जो आ रहे हैं? अपने मन से कीजिएगा, अपने राष्ट्र बात करिए, देश के भलाई के लिए करिएगा। और नमस्कार बुआ, किसी के कहने से वोट देने आंतरिक प्रेरणा होना चाहिए मन में। तो ये थे हमारे साथ काशीनाथ बिल्लौरे, जिन्होंने सुबह सुबह अपना पहला वोट किया है और युवाओं को भी संदेश देते हुए कहा है कि देश की भलाई के लिए वोट करें, किसी के बहकावे में ना आए। रुचि तिवारी, पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग बूथ एमजीएम स्कूल पर पहुंच चुकी हूं, जहां पर सुगम बूथ बनाया गया है। सुगम बूथ में तैयार मतलब लोगों की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए ऊपर पंडाल लगाए गए हैं, जिससे लोगों को धूप से बचाया जा सके। पानी की सुविधा की गई है और लोग भारी मात्रा में सुबह से ही आके अपनी वोटिंग कर रहे हैं। चलो सुप्रभात, मैं रुचि तिवारी आ चुकी हूँ जबलपुर के पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग बूथ एमजीएम स्कूल पर, जहाँ पर सुगम बूथ बनाया गया है और भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है। इस सुगम बूथ पर मॉडल बूथ जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। धूप से बचने के लिए लोगों के लिए पंडाल बनाए गए हैं, शेल्टर दिया गया है, पानी की व्यवस्था पीछे तरफ की गई है, जिससे कोई भी जाके वहाँ पे पानी पी सके। और लेडीज की और जेंट्स की अलग अलग लाइन बनाई गई है, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। दिव्यांगों के लिए एक अलग से लाइन बनाई गई है। नमस्कार, मैं रुचि तिवारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र के पोलिंग बूथ सुगम मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी हूं, जो कि एमजीएम स्कूल पर बनाया गया है। यहां पर भारी मात्रा में लोग सुबह से ही वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि टाइमिंग 7 बजे से दी गई थी लोगों को वोट करने के लिए, बट गर्मी को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने 6:30 बजे से आकर यहां पर अपनी कतारें शुरू कर दी थी और 7:30 तक उन्होंने मतलब मोस्टली लोगों ने आके अपना वोट दे दिया था। इस पोलिंग बूथ पर मतदान केंद्र पर लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पंडाल बनाए गए हैं, जिससे कि लोगों को गर्मी का एहसास ना हो। पानी की पूर्ति के लिए यहाँ पे पानी का एक स्टॉल लगाया गया, यहाँ पे लोगों को पानी मिल सके। बैठने के लिए बेंचेस दी गई हैं और दिव्यांगों के लिए एक अलग से लाइन बनाई गई है, जहाँ पे जैसे ही वो आ रहे हैं उनको डायरेक्ट पोलिंग बूथ में अंदर किया जा रहा है, जिससे वो पहले मतदान करके तुरंत जा सके। व्हीलचेयर्स प्रोवाइड की गई हैं, जिससे कि लोग जो दिव्यांग हैं उनको या वरिष्ठ जन हैं उनको कोई दिक्कतें ना जाएं। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन बनाई गई हैं, जिससे कि असुविधा ना हो। सिक्योरिटी का कौन बोलेगा? नमस्कार, मैं पलक गुप्ता और आप लोगों ने मुझे जरूर पहचान लिया होगा। जी हाँ, मैं हूँ मत्तोबाई, जहाँ मैं स्वीट जबलपुर के प्रोग्राम्स में अपने साथियों के साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करती हूँ। और हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं कलेक्टर छवि मैम और हमारी CEO रजनी मैम को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 70% वोटें डली हैं, जिस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बिना ये बिल्कुल ही नामुमकिन था। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, दिस इज उन्नति तिवारी फ्रॉम संभागीय बाल भवन जबलपुर। होप यू ऑल हर्ड मी इन द स्वी प्रोग्राम्स परफॉर्मिंग द सॉन्ग मतदान करने जाना, विच वॉज रिटन एंड ऑल्सो कम्पोज्ड बाय मी, एंड एज एक्सपेक्टेड यू ऑल टुक inspiration and messages from that song and voted by the percentage of 69.38, which is very appreciable, and for that I'm thankful to all the voters and hope that you all will continuously give your small and big contributions for the development of nation. Thank you. Namaskar, मैं उन्नति तिवारी संभागी बाल भवन जबलपुर की छात्रा हूं। आप सभी ने मुझे स्वीप के कार्यक्रमों में मतदान की प्रस्तुति देते हुए जरूर सुना होगा। मेरी प्रस्तुति थी मतदान करने जाना, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास था कि आप मेरे गीत से प्रेरित होकर उसके शब्द शब्द का अर्थ जरूर लेंगे और मतदान करने अधिक संख्या में जाएंगे, और शायद यही उसका परिणाम है कि आप सभी ने 69.38% वोट कर मतदान करके अपने राष्ट्र के निर्माण में एक कदम उठाया। मैं इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ना केवल मतदान के रूप में बल्कि अन्य कई माध्यमों से आप राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग जरूर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया खंडेलवाल, नगर की स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर एवं नेशनल बालश्री एक्टिंग अवार्ड विजेता। सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी ने जबलपुर में लगभग 70% वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया एवं देशभक्ति का परिचय दिया। मैंने चुनाव आयोग की मैस्कॉट मत्तूबाई यानी कि पलक गुप्ता के साथ मिलकर अनेक सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रमों में आप सभी से विनती की थी कि कृपया अधिक से अधिक मतदान करें, जिसे आपने भरपूर निभाया और हम दोनों बेटियों को अपना पूरा स्नेह दिया। अंततः मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।